हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड्स। फिजिकल वर्ड्स में आज का वीडियो हमारा जो होगा वो होगा स्ट्रांग फोर्स, हम लोग बात करेंगे। तो स्ट्रांग फोर्स में हमारा पहला फोर्स आ रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स में क्या हो गया कि वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैनिफेस्टेड इट्सेल्फ थ्रो द फोर्सेज बिटवीन द चार्जेज। तो फोर्स बिटवीन चार्जेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कूलम्स लॉ की बात करेंगे। कूलम्स दे आर द गिवेन ए फार्मूला ऑफ द फोर्स, फार्मूला ऑफ द फोर्स व्हेन द टू चार्जेज पार्टिकल दे आर अट्रैक्ट आर रिपल्स। तो जैसे मान लो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। मान लो चार्ज का नेचर प्लस माइनस है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कूलम्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड फोर्स इज इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। और दोनों का मिलाते हैं तो होता है क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट लाते हैं एंड दिस कॉन्स्टेंट इज द नोन एज द के। और के की जो वैल्यू है वो होता है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इस के का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखते हैं के इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस दैट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ किलोग्राम किलो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अब यह हो गया कि वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू द फोर्स बिटवीन द चार्ज, कूलम्स लॉ हम लोग कहते हैं, एंड द मैग्नेटिक फोर्स बोथ ऑफ विच समराइज्ड इन द लॉरेंटज फोर्स। और लॉरेंटज फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और एफ इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा भी होता है, आई बी एल साइन थीटा होता है। तो ये लॉरेंटज और लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट में आता है। फंडामेंटली बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्सचेंज फोर्सेस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ द फोटॉन, द क्वांटम अप्रोच टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और QED इसको शॉर्ट में कहा जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए फोर्स ऑफ द इनफाइनाइट रेंज विच ओबे द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ एंड इज ऑफ द सम फॉर्म एज द ग्रेविटी फोर्स। तो अब यहाँ पे जैसे कि दो फॉर्म यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है एफ इक्वल टू की के इंटू की वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर कूलम्स लॉ है, या इक्वल टू क्यू वी वी या आई बी साइन थीटा आई बी एल साइन थीटा है, या लॉरेंटज फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ गई। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है या इसको हम लोग स्ट्रांग फोर्स में काउंट करते हैं। अब आगे हमारा क्या वीक फोर्स। तो वीक फोर्स में अभी हम बताया था कि वीक फोर्स का हमारा रेंज क्या है 10⁻⁶ to 10⁻⁸ दे आर द रेंज ऑफ द वीक फोर्स। ये हमारा वीक फोर्स का रेंज होता है। और अब वीक फोर्स हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस द वीक इंटरैक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ द इंटरमीडिएट वेक्टर्स बोन्सन द डब्ल्यू एंड जेड सिंस द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। यहाँ पे डब्ल्यू एंड जेड दे आर द सिंबल्स दिया गया है। दीज पार्टिकल्स इज द ऑर्डर ऑफ द 60 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट GeV जो लिखा हुआ है GeV गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द अनसर्टेनली प्रिंसिपल डिस्टेट्स ए रेंज ऑफ द अबाउट 10⁻⁸ मीटर विच इज अबाउट 1% ऑफ द डायमीटर ऑफ द प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो 10⁻⁸ मीटर का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है कि दिस वैल्यू इज द 1% ऑफ द एक प्रोटॉन का 1% के वैल्यू के इक्वल होता है। द वीक इंटरैक्टेंस चेंजेज ऑफ द फ्लेवर्स ऑफ द
quark into the another, for example in the neutron decay, dissipated by the Feynman's diagram at the transferring the neutron into a proton. तो आप कह रहे हैं कि अगर हम किसी न्यूट्रॉन को अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट जो फोर्स होता है, दिस रेंज ऑफ द रिक्वायरमेंट फोर्स कन्वर्टिंग टू न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज द बिलोंगिंग टू ए वीक फोर्स एंड दिस वीक फोर्स एट द रेंज ऑफ 10^-16 टू 10^-18 और 10^-18 का जो रेंज है दे आर द वैल्यू ऑफ द 1% ऑफ द ए प्रोटॉन, वह एक प्रोटॉन का 1% के वैल्यू का इक्वल होता है। अब इसमें हमारा आ गया था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स चूँकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी इस पर एक चैप्टर आता है, ग्रेविटेशन उसका नाम ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में न्यूटन्स ने अपने कॉन्सेप्ट को दिया था, तो उसमें दिया था कि व्हेन टू बॉडी इन यूनिवर्स दे आर अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, इन दिस केस द फोर्स लाइज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो न्यूटन्स ने कहा कि मान लो कि टू ऑब्जेक्ट है, दे आर द मास इज द एम वन एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट विच मास इज द एम टू एंड दे आर सेंटर टू सेंटर मास इज द आर, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड एफ इज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं तो फिर यहाँ पर रिजल्ट आता है एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर का रिजल्ट आता है, और इसको इक्वल करने के लिए हम लोग ये कैपिटल जी यूज करते हैं, दे आर द नोन एज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसको कहा जाता है। तो जी एम वन एम टू एम टू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यह इसका यूनिट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन द ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो इसका रेंज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, 6 × 10^-39 का रेंज इसका होता है। तो इसमें देखिए, इट इज ए फोर्स ऑफ नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस रिलेटेड बाय, इट इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट ओबेज यूनिवर्स स्क्वायर लॉ एंड इट इज द ए वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर एंड इट इज द कंजर्वेटिव सेंट्रल एंड लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल ग्रेविटेशन। तो अब यहाँ पे हमने इसका ये डेरिवेशन दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपिटल एफ, चूँकि यहाँ पे एक एरो भी लगा हुआ है तो यहाँ पता हो कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दे आर द बिलोंगिंग टू वीक फोर्स, और इसका रेंज जो है कितना है 6 × 10^-39 के रेंज का इसका होता है, यानी मीटर की अगर हम बात करें तो इनफाइन लग जाता है और मास 0 पर, तो स्पिनिंग 2 इसकी आती है। तो ए हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ए वीक फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस सम अदर टर्म्स ऑफ द फोर्सेस इन द फिजिक्स। थैंक यू।